तो सभी भाइयों का फिर से स्वागत है एक नए व्लॉग में। आज भाई संडे है 14 अगस्त और मैं फैक्ट्री आया हुआ था काम के लिए। अभी काम से थोड़ा सा फ्री हुआ था तो मैंने सोचा कि भाई लोगों के लिए एक व्लॉग बना जाए। बहुत सारे भाई लोगों का कमेंट्स था कि जिप्सी में टोटल क्या खर्चा आया है, तो आज का व्लॉग है उसी बारे में। आप व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिए और जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कर दें। तो भाई आज के व्लॉग में हम दिखाएंगे टोटल खर्चा जो अपनी जिप्सी में आज तक आया है इसको मॉडिफाई करने के लिए। ये है भाई खर्चा जो मैंने नोट किया हुआ है। इसमें सीट्स का खर्चा है, कुछ ब्रेक ऑयल, सस्पेंशन, जो मेजर मेजर है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सस्पेंशन के लिए जो हमने सामान मंगाया था वो 25,000 रुपये का सामान था। मीटर और कुछ केबल आई थी अपना स्पीडोमीटर वाली, वो 4180 का था, लेकिन उसमें से हमने मीटर वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया। 3,225 रुपये का वो मीटर था, वो मीटर फॉल्टी था तो वो हमने रिटर्न कर दिया, तो पुराने वाला ही मीटर हमने लगा दिया इसमें ठीक करके वापस। और 18,000 रुपये पेंट का खर्चा है और 28,000 रुपये के टायर डले हैं। बाकी डिटेल्स आप जो मैंने लिस्ट बना रखी है इसमें देख लेना। अब मैं आपको दिखाता हूँ जिप्सी में ये सारे काम जो जो हमने कराए हैं जिसका ये खर्चा है। तो भाई आपने जो लिस्ट देखी है उसमें लगभग खर्चा है 90,000 रुपये का। उस खर्चे में क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें जो भी ये फैब्रिकेशन है, जैसे ये लगाया है, ये लगाया है हमने, और हमने आगे ये लगाया है, ये सब उसमें इंक्लूडेड नहीं है उस खर्चे में। ये हमने लोहे का लगाया है, ये सब चीज़ें उस खर्चे में इंक्लूडेड नहीं है। ये हमने लगाया है अपने यहाँ फैब्रिकेट करके, ये कवर लगाया है हमने अपने पास फैब्रिकेट करके, तो इसका लगभग लगभग 30,000 रुपये का खर्चा इसका अलग से आया था। और बाकी जो खर्चे की लिस्ट है उसमें जो काम हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें काम हुआ है, एक तो मेन काम हुआ है सस्पेंशन का। पहले वाली वीडियोस में भी मैं दिखा चुका हूँ, डॉक्टर नैनो के नाइट्रोफिल्ड गैस के इसमें शॉकर्स लगे हैं। कमानी वही हैं, लेकिन कमानी का काम हमने करवाया है, आगे आगे की कमानी का काम हमने करवाया है। ये लगाए हैं हमने जो मायापुरी से लिए थे। और ये जो लाइट्स हैं, ये लाइट्स मेरे पास टाटा सफारी में लगी हुई थी जो मेरे पास पहले थी, तो ये लाइट्स उसमें से हमने निकाल के रखी हुई थी, अब ये इसमें काम आ गई हैं। ये हमने सीट्स लगाई थी, जो 2600 रुपये की सीट्स ली थी हमने मायापुरी से। बाकी मीटर हमने नया लिया था लेकिन वो मीटर फॉल्टी था, इसलिए हमने वापस से ही पुराने मीटर को ठीक करके इसी को लगा दिया है। मीटर हमारा पुराना ही है, बाकी डैशबोर्ड स्टॉक कंडीशन में है एग्जैक्टली। मैटिंग सब पहले की है जो इसके साथ आई थी। ये नॉब हमने ली थी, 4x4 वाली नॉब हमने ली थी। और बाकी ये एक लाइट लगाई है, ये मैं आपको जला के दिखाता हूँ। हालांकि अभी दिन है, इसका इतना इम्पैक्ट अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन आप ये देखेंगे ये लाइट लगाई है हमने एम्बियंस के लिए लाइट। फैब्रिकेशन वाले पार्ट में ये जो इसका हार्ड टॉप है, जो रूफ़ है, ये साइड का और ये सब हमने खुद ही फैब्रिकेट किया था। ये ग्लास हमने लिया था मायापुरी से, ग्लास और बीडिंग ये बाई चांस महिंद्रा की हमारे को मिल गई थी एक पुरानी, बहुत ही रीजनेबल रेट में। और टायर्स जो हमने इसमें डलवाए हैं वो डलवाए हैं जियो लैंडर 80 योकोहामा, और साइज़ है इसका 215/75 R15। ये आप देखें, ये हमने 4 टायर्स डलाए हैं। और स्टेपनी हमने अभी पुराने वाली ही रखी हुई है, जो ओरिजिनल मतलब जो इस गाड़ी के साथ थी स्टॉक कंडीशन में, वही रखी हुई है। अगर इंजन की बात करें तो इंजन में हमने कोई भी काम नहीं कराया है, सब एग्जैक्टली जो पहले था वही है, स्टॉक कंडीशन में ही है, कुछ भी नया नहीं कराया। बस इसको थोड़ा साफ़ करा दिया था, बहुत ही गंदी कंडीशन में था जब हम गाड़ी लाए थे। और बाकी सिर्फ एक छोटी सी चीज़ हमने इसमें चेंज करी है, ये वाली नोज़ल, मात्र 54 रुपये की नोज़ल थी, ये हमने इसमें चेंज करी है। बाकी बैटरी सब पुरानी है। हमने ब्रेक शू का काम कराया था, रियर के ब्रेक्स चेंज कराए थे, क्योंकि इसमें एक तो सिलेंडर लीक था और एक आवाज़ करता था, तो डाउट ये था कि कहीं ब्रेक शू ख़राब ना हो। लेकिन जब उसको निकाल के लाए और धो के पूरा साफ़ किया तो वो ब्रेक शू ठीक थे, खैर हमने चेंज करा लिए थे। तो ये भाई हमारी गाड़ी की फाइनल लुक आई है, मैं आपको चारों तरफ से एक बार दिखा देता हूँ। पेंट का काम जो हुआ है वो भी बहुत अच्छा काम किया है, छोटी मोटी कमियाँ हैं लेकिन ठीक है, जिप्सी है तो थोड़ा
थोड़ा ऑफ रोडिंग में जाते हैं और उसमें वैसे भी स्क्रैच आते हैं और रगड़ती है कहीं ना कहीं, लेकिन कुल मिला के सारा काम बढ़िया किया पेंटर ने। ये अपने टोटल लुक्स हैं पूरी गाड़ी के, मुझे तो भाई बहुत पसंद है। और अगर आप लोगों को भी पसंद आए हो तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। और अब इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं।